हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड द डिमांड फॉर एमएसपी। हालांकि फार्मर्स का डिमांड बहुत सारे मैटर्स को लेके है, लेकिन एमएसपी सबसे मेजर इशू है। अगर पूरे इसका बैकग्राउंड का बहुत ब्रीफली हम बात करें, तो सबसे पहले बात आती है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फार्मर्स से रिगार्डिंग जो बिल इंट्रोड्यूस किए थे, बाद में उसे रिपील करना पड़ा, फार्मर्स के अगेंस्ट में थे, तब एक कमेटी बैठाई गई थी। उस कमेटी ने ही जो बेसिकली जो रिकमेंडेशन दिए थे, उसी रिकमेंडेशन को अब जो है ये फार्मर्स जब दोबारा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस रिकमेंडेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन था अबाउट एमएसपी, उसी को डिमांड को लेकर जो फार्मर है अब दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। हालांकि इनका अदर डिमांड्स भी है, तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट आखिर क्यों फिर से स्टार्ट हुआ, क्या एमएसपी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या इसका ब्रीफ बैकग्राउंड रहा है, और जो कमिटी बैठी थी जुलाई 2022 में, उसका क्या मेजर रिकमेंडेशन रहा है। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड एमएसपी डिमांड। तो मेजर डिमांड क्या है? अ मेजर डिमांड ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली इज फॉर इनएक्टमेंट ऑफ लॉ टू गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस for all crops as per the formula recommended by Dr. M.S. Swaminathan Commission. Dr. M.S. Swaminathan Commission के द्वारा जो formula recommend किया गया था for the MSP, उसे grant करने के लिए एक law का enactment करना जरूरी है, और यह farmers का major demand है। This comes at a time when a committee appointed by central government in July 2022 continue to deliberate on the way to make MSP more effective and transparent। इस कमिटी ने जब रिपील कर लिया गया बिल को, फार्म जो बिल आए थे उसे रिपील कर लिया गया, फार्मर प्रोटेस्ट रुक गया, और जब यह कमिटी बैठाई गई, तो जो कमिटी ने डिलीबरेशन दिया ऑन द एमएसपी, अब इस एमएसपी का डिमांड फिर से ये स्टार्ट किए हैं फार्मर्स, और जिसके कारण से ये प्रोटेस्ट अब दिल्ली में पहुंच चुका है दोबारा से। क्या क्या अदर डिमांड्स थे अपार्ट फ्रॉम एमएसपी? एमएसपी मेजर मुद्दा है, लेकिन अदर डिमांड्स भी हैं जो अभी तक उसके फुलफिल नहीं हुए हैं, जिसके कारण से ये फिर से जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हुआ है। अगर अदर डिमांड्स में हम बात करें, तो फुल डेट बिहेवियर फॉर फार्मर्स एंड लेबरर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 विथ अ प्रोविजन फॉर रिटन कंसेंट फ्रॉम द फार्मर्स बिफोर एक्विजिशन एंड कंपनसेशन एट 4 times द कलेक्टरेट रेट, कि जो भी गवर्नमेंट का रेट है उससे 4 गुना अधिक रेट के से कंपनसेशन दिया जाए, ये मेजर डिमांड्स है, और लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को इंप्लीमेंट करने का डिमांड है। नेक्स्ट है कि पनिशमेंट फॉर प्रिपरेटर्स ऑफ अक्टूबर 2021 लखीमपुर खेरी किलिंग्स, ये बेसिकली एक इवेंट हो गया था, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसके जो भी प्रिपरेटर्स है उसको पनिश करने की डिमांड है। इंडिया शुड विथड्रॉ फ्रॉम WTO, ये एक मेजर अनदर मेजर डिमांड है, कि जो WTO के नॉर्म्स है उससे इंडिया को फ्री होना चाहिए, एंड फ्रीजेज ऑल द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, क्योंकि इससे लॉस होता है एक्सपोर्ट करने में जो फार्मर्स है उन्हें। तो जो WTO के जो नॉर्म्स है, जो कहीं ना कहीं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं, इंडिया को वहां से विड्रॉ करना चाहिए, ये अनदर मेजर डिमांड है। पेंशन फॉर फार्मर्स एंड फार्म लेबर्स, कंपनसेशन फॉर फार्मर्स हु डाइड ड्यूरिंग द दिल्ली प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग अ जॉब फॉर वन फैमिली मेंबर, कि जो प्रोटेस्ट चला था इतने लंबे समय तक उस फार्म बिल के अगेंस्ट में, उसके दौरान बहुत सारे फार्मर्स डेथ कर गए थे, और उन फार्मर्स को बेसिकली उनके फैमिली मेंबर्स में से किसी एक को एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 शुड बी स्क्रैप्ड एंड 200 इंस्टेड ऑफ 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा पर ईयर डेली वेजेज ऑफ RS 700 एंड स्कीम शुड बी लिंक्ड विथ द फार्मिंग, कि जो अभी तक मनरेगा में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 100 डेज का इंप्लॉयमेंट मिलेगा, उसे 200 डेज किया जाए, और जो कम आप बेसिकली जो पर डे डेली वेजेज है उसे 700 किया जाए। नेशनल कमीशन फॉर स्पाइसेस सच एज चिली एंड टर्मेरिक ATC, कि इन जो ये फार्मर्स बेसिकली जो ये टर्मेरिक है या चिली है, इन सब का जो फार्मिंग किया जाता है, उसके लिए भी एक नेशनल लेवल पे कमीशन होना चाहिए, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स है, जो भी एक्टिविटीज है, उसे रेगुलेट किया जा सके। तो ये कुछ अदर मेजर डिमांड्स हैं। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि एमएसपी का जो रिजीम रहा है इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ, और आज जो सिचुएशन पहुंचा हुआ है वो क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की, तो नेहरू
जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे उन्हीं के टाइम के दौरान ये पहले बार कॉन्सेप्ट में आया था, बट वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट साबित नहीं हुआ था। ये उस समय ट्राई किया गया था कि जो फार्मर्स का इशू है, जो एग्रीकल्चर से अर्निंग इशूज है, उसे डील किया जाए, बट वो सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाया। फिर इन 1964 लाल बहादुर शास्त्री फॉर्म द फूड ग्रेन प्राइस कमिटी अंडर LK झा टू पुश फॉर MSP रिजीम। हालांकि गवर्नमेंट ने तुरंत इसे एक्सेप्ट भी कर लिया, बट डिस्पाइट दैट द रिपोर्ट वॉज क्विकली एक्सेप्टेड बाई शास्त्री गवर्नमेंट, द फर्स्ट MSP अनाउंसमेंट वॉज मेड इन 1967। Thus, the MSP regime came into existence as a policy decision and government set up Agriculture Price Commission for fixing MSP for the crops. And this commission finally in 1985 renamed as CACP, Commission for Agriculture Cost and Price. So, ये basically ये start होता है नेहरू जी के time से, और lastly finally जब 1985 का time आता है तो ये एक formal way में अच्छे से regulate होना start हो जाता है। अब जब यह 2022 में कमिटी आती है, कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो वो फार्म बिल्स है जब रिपील कर दिए जाते हैं, हटा लिए जाते हैं, ताकि जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसे शांत किया जा सके, तब गवर्नमेंट एक कमिटी बैठाती है और यह कमिटी कुछ रिकमेंडेशन देती है। उन्हीं रिकमेंडेशन में से जो एक MSP का भी जो मेजर डिमांड है, अब उसी मेजर डिमांड को फुलफिल करने के लिए यह दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो 2022 में जब कमिटी बैठती है, दिस पैनल वाज कंस्टिट्यूटेड 7 months आफ्टर फार्मर्स हु हैड गैदर्ड एट दिल्ली बॉर्डर कॉल्ड ऑफ देयर ईयर लॉन्ग प्रोटेस्ट आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द रिपील ऑफ फार्म लॉज। दिस कमिटी सब्जेक्ट मैटर हैज 3 points, MSP, नेचुरल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हाउएवर द टर्म ऑफ रेफरेंस डू नॉट इंक्लूड अ लीगल गारंटी फॉर द MSP। जिस समय कमिटी बैठती है उसका 3 major एजेंडा रहता है, पहला MSP का, दूसरा नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करने का, और थर्ड वन इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, की क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन को कैसे बढ़ाया जाए, नेचुरल फार्मिंग को कैसे प्रमोट किया जाए, फार्मर्स के इनकम को भी कैसे इंश्योर किया जाए। लेकिन इसके मैंडेट में कहीं भी ये नहीं लिखा रहता, इसके टर्म ऑफ रेफरेंस में कहीं भी ये नहीं लिखा रहता है कि एक लीगल गारंटी दिया जाएगा फॉर द MSP, और फार्मर्स का यही डिमांड है कि MSP के लिए एक लीगल गारंटी की जरूरत है। अब इसके अगर हम टर्म ऑफ रेफरेंस में बात करते हैं तो पहला आता है कि कैसे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, तो जीरो बजट फार्मिंग, टू प्रमोट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF गाइड्स फार्मर्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस व्हिच हेल्प्स टू रिटेन सॉइल फर्टिलिटी, इंश्योर केमिकल फ्री एग्रीकल्चर एंड इंश्योर लो प्रोडक्शन कॉस्ट, thereby increasing farmers income। कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अगर प्रैक्टिस किया जाए, उसे प्रमोट किया जाए इन प्लेस ऑफ केमिकल फार्मिंग, सॉइल की फर्टिलिटी भी बरकरार रहेगी, जो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर उसे प्रमोट किया जा सकेगा, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे कम किया जा सकता है ताकि फार्मर्स के इनकम को बढ़ाया जा सके। टू प्रोवाइड सजेशन ऑन 5 points रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग इंक्लूडिंग सजेशन फॉर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर वैल्यू चेन डेवलपमेंट, प्रोटोकॉल वैलिडेशन, रिसर्च फॉर फ्यूचर नीड्स एंड सपोर्ट फॉर एरिया एक्सपेंशन अंडर इंडियन नेचुरल फार्मिंग सिस्टम बाई पब्लिसिटी एंड थ्रू इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे ओवरऑल एम जो है, कि जो एजेंडा है इस कमिटी का, जो मेन पॉइंट था कि किस तरीके से नेचुरल फार्मिंग के एरिया को प्रमोट किया जा सके, किस तरीके से सजेशन दिया जा सके, उनकी पब्लिसिटी को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके और सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखा जा सके, ताकि जो सब्सिडी वगैरह दिया भी जा रहा है वो भी कम किया जा सके। नेक्स्ट है टू चेंज क्रॉप पैटर्न कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंट्री। जो नीड के अकॉर्डिंग, जो टाइम के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स का डिमांड है, जिसका अधिक डिमांड है उसे अधिक प्रमोट किया जाए, जहां पर रेनफेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सकता है वहां पर रेनफेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाए, ताकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और कंट्री के नीड के अकॉर्डिंग, जैसे मासेस बढ़ रहे हैं, स्टेपल फूड्स का डिमांड अधिक है, तो नीड के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज लाना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप इंटरक्रॉपिंग करो, मिक्स क्रॉपिंग करो, मिक्स फार्मिंग प्रमोट करो, तो नीड के अकॉर्डिंग आप सजेशन लीजिए, जो भी इनपुट्स मिल सकते हैं वो इनपुट्स दिए जाए फार्मर्स को। एंड टू रिकमेंड मेजर्स टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द कंट्री चेंजिंग नीड्स। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को प्रमोट किया जाए, ई-नेम प्लेटफॉर्म्स लाए गए, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसे आसानी से उस पर एक्सपोर्ट वगैरह किया जा सकता है, उसे उस पर डील किया जा सकता है।
दिस इज टू इंश्योर हायर वैल्यू टू फार्मर्स through remunerative prices for their produce by capitalizing on domestic and export opportunities, ताकि farmers का जो domestic और export opportunities है उसे भी बढ़ाया जा सके. Next, to provide suggestion on four points related to crop diversification include, कि कैसे crop diversification को promote किया जाए, तो चार points suggest किए गए. Mapping of existing cropping pattern of agroecological zones of producer and consumer states, strategy for diversification policy to change the cropping pattern according to the changing need of the country, arrangement for agriculture diversification and systems to ensure remunerative price for the sale of new crops, review and suggestion on micro irrigation schemes. तो ये basically four ऐसे major points suggest किए गए ताकि जो crop की diversification है उसे ensure किया जा सके, क्योंकि crop का diversification होगा तब अधिक से अधिक फार्मर के जो कह सकते हैं इनकम है उसको इंश्योर किया जा सकता है, क्योंकि क्लाइमेट पैटर्न इतना अधिक चेंज हो रहा है, इतना वास्टली चेंज हो रहा है कि अगर क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन ना हो तो एग्रीकल्चर लॉस होना तय है. टू मेक एमएसपी मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, यह सबसे मेजर मुद्दा है जो अभी बना हुआ है. इट विल ऑल्सो मेक रिकमेंडेशन टू गिव सीएससीपी मोर ऑटोनोमी एज वेल एज मेजर्स टू मेक इट मोर साइंटिफिक. हालांकि इस पर रिकमेंड किया गया लेकिन इसके जो टर्म ऑफ रेफरेंस में कहीं भी वो लीगल गारंटी के रूप में इसे नहीं दिया गया. अब फार्मर्स का यही डिमांड है कि इस एमएसपी को एक लीगल गारंटी के रूप में फार्मर्स को इंश्योर किया जाए, और इसके लिए ये फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है. अब हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि क्या यह डिमांड उनका फुलफिल होता है या नहीं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.